काफी है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से इज्जत वाले खूबियों वाले मालिक के रास्ते की तरफ, यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, और उन काफिरों के लिए अजाब शदीद की वजह से तबाही और बर्बादी मुकद्दर है जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं। ये लोग बड़े दूर की गुमराही में हैं और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वो अपनी कौम की जबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम इलाही खोल खोल कर बता दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब है हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले जाओ और उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ, और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं निशानियां हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि उसने तुमको फिरौन की कौम से रिहाई बख्शी, वो लोग तुम्हें बुरे बुरे अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है, और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो भी अल्लाह बेनियाज है काबिले तारीफ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमको उसमें भारी शक है। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से तुम हमें रोक दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ यानी मोजजा दिखाओ। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हां हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मोजजा दिखाएं, और अल्लाह ही पर मोमिनों को तो भरोसा रखना चाहिए। और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं, और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। बस उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोजख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा। वो उसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके बाद सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ काबू न होगा। यही तो परले सिरे की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है,
अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे, और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं। और कयामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते, अब हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें हमारे हक में बराबर है, कोई जगह रिहाई की हमारे लिए नहीं है। और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था, हां मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो, न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अपने परवरदिगार के हुक्म से वो हमेशा उनमें रहेंगे, वहां वो हर मुलाकात पर एक दूसरे को सलाम कहेंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमा तैयबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीजा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में फैली हो, वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर मौके पर फल लाता हो, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नापाक बात यानी गलत अकीदे की मिसाल नापाक दरख्त की सी है कि वो जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करार और सबात नहीं। अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा, और अल्लाह बेइंसाफों को गुमराह कर देता है, और अल्लाह जो चाहता है करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा, यानी दोजख में के सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रस्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोजख की तरफ लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें ना अमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से पोशीदा और अलानिया खर्च करते रहें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेर फरमान किया ताकि वो समंदर में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को भी तुम्हारे जेरे फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक डगर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, नाशुक्रा है। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रखियो, ऐ परवरदिगार उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद एक वादी में जहां खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है, ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं, न जमीन में न आसमान में। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं, और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श
ऐ परवरदिगार मेरी दुआ कबूल फरमा, ऐ परवरदिगार हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मगफिरत कीजो। और मोमिनों ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है, वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान कयामत की तरफ दौड़ रहे होंगे, उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा, तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो जवाल नहीं होगा, और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मामला किया था और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और उनकी सब तदबीरें अल्लाह के यहां लिखी हुई हैं, गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। तो ऐसा ख्याल न करना कि अल्लाह ने जो अपने पैगंबरों से वादा किया है वो उसके खिलाफ करेगा, बेशक अल्लाह जबरदस्त है बदला लेने वाला है। जिस दिन ये जमीन दूसरी ही जमीन बना दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के सामने निकल खड़े होंगे, जो यकता है बड़ा जबरदस्त है। और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके कुर्ते तारकोल के होंगे और उनके चेहरों को आग लिपट रही होगी, ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसके आमाल का बदला दे, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको उससे डराया जाए और ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है और ताकि अहले अक्ल नसीहत हासिल करें।